हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और इसमें हम सीखेंगे एक्सपायरी डेट एक्टिवेट करना, एक्सपायरी डेट को कैसे आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए अभी हम कहां चलते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट पे आते हैं। यहां से गेटवे ऑफ टैली से चार्ट ऑफ अकाउंट पे आ जाइए और चार्ट ऑफ अकाउंट पे आने के बाद स्टॉक आइटम पे आते हैं। तो ये तमाम स्टॉक आइटम आपको दिख ही रहे होंगे। अब यहां से आ जाता हूं, मैं एक स्टॉक आइटम उठा लेता हूं लाइक हनी। तो ये हनी है और हनी की जो शीशी आती है उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है। तो आपको अभी F11 की प्रेस करनी है, कीबोर्ड से फंक्शन बटन F11 प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आपको दिखेगा ये इन्वेंटरी फीचर, तो यहाँ इन्वेंटरी में आ जाइए। अब इन्वेंटरी में आने के बाद यहाँ से बैचेस को आप एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि बैचेस को जब तक आप एक्टिवेट करेंगे नहीं तब तक आपका मेंटेन एक्सपायरी डेट, यहाँ पर देख सकते हैं मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ये आपका एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बैचेस को वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिए, ये यस हो जाएगा, फिर आपका एक्सपायरी डेट शो करने लगेगा। आप यहाँ वाई प्रेस कर दीजिए और वाई प्रेस करके अब आपको यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करना है, तो ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हनी आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बैचेस को आपको यस करना है और यहाँ पर यस करेंगे तो फिर ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बनने की डेट, ये प्रोडक्ट बना कब था, मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर आपको डाल, और यहाँ पे यूज एक्सपायरी डेट तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा और एंटर प्रेस करके अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अगर एमआरपी देना चाहते हैं तो यस करिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। तो ये एक्टिवेट हो गया। तो अब जब आप काम करेंगे यानी कि जब आप वाउचर एंट्री पास करेंगे, लाइक परचेज में आ गए, यहाँ पे डाल दिया हमने और ये इस तरीके से यहाँ आ गए और यहाँ पर क्रिएटर पार्टी का लेजर आ जाएगा और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पर आप परचेज अकाउंट का लेजर और यहाँ पर हनी की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे देखिए हनी आ रहा है, तो ये हनी आ गया। अब यहाँ पे देखिए एमआरपी आ गया और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी बैच यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आते हैं तो अब यहाँ पर क्वांटिटी सबसे पहले डालनी है। ठीक है, अब देखिए अप्रैल 2020 में बना है यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, और मान लीजिए 70 इसकी बॉटल जो है हमारे पास मौजूद है और यहाँ से आ जाते हैं, डिस्काउंट छोड़ता हूँ अभी, और यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट देनी है। तो अप्रैल 2020 में बना है तो इसकी एक्सपायरी डेट कर देता हूँ लाइक अप्रैल APRIL 2022 कर देता हूँ इस तरीके से 2022। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने 2022 कर दिया है और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं आप इस तरीके से। अब इसका जब प्रिंट देखेंगे आप, तो यहाँ पे दो बार डी प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, लास्ट वाला हमारी एंट्री है ये लास्ट वाली। अब यहाँ से ऑल्ट के साथ पी प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, इसमें एक्सपायरी डेट शो हो रहा है या नहीं। तो ये प्रीव्यू है आपका और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो एक्सपायरी डेट है वो शो नहीं हो रहा है। तो एक्सपायरी डेट ये बिल पे कैसे शो होगा वो भी बता देता हूँ। यहाँ से कॉन्फिगर पे चलना है हमें, और कॉन्फिगर पे चलने के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं, ये नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो बैचेस डिटेल, तो आपको इसको कर देना है यस। ये जो बैचेस डिटेल का ऑप्शन है इसको यस कर दीजिए और इसको यस करने के बाद अब हमें इसको कंट्रोल ए प्रेस करना है। ठीक है, तो जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो जैसे ही इसका प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, ये देखिए यहाँ पर जो है इसका बैचेस डिटेल आ गया है और इसकी एक्सपायरी भी आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपायरी 30 अप्रैल 2022 जो हमने डाला था वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।